सो हे गाइस, दिस इज योर अभी पटेल। वेलकम बैक विद माय न्यू अनदर व्लॉग एंड दिस इज योर अभी पटेल। अभी दोपहर के अप्रॉक्स 2-3 बज रहे और धूप बहुत ज़्यादा बाहर खतरनाक है। एंड मुझे ऑफिस, मतलब मैं एक्चुअली कल रात को इतना तेज़ बारिश हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब हो गई थी, सारे कपड़े भीग चुके थे मेरे और मैं इतनी गहरी नींद में जाके सो चुका था ना, इतनी गहरी नींद में कि मत ही पूछो। और अभी देखो, अभी थोड़ा मौसम खुल सा गया है, मेरा जिम विम का सामान सब कुछ बिखर सा गया था, कारपेट था वो भी बेकार सा हो गया था। सो तो फिर मैं साइट पर चले गया था सुबह, साइट पर फ्रेश भी नहीं हुआ था, डायरेक्टली ऐसे निकल गया था बिना मुंह धोया था, ओनली बस खाली और लोअर और शर्ट के अंदर ही ऐसे टी शर्ट में निकल गया। एक्चुअली मुझे शर्ट और टी शर्ट में मुझे कन्फ्यूज़न होता है कि शर्ट किसको बोलते हैं, ये जो बटन वाली, ये मुझे शुरू से कन्फ्यूज़न रहा है, बटन वाली को जैसा वो जो मैंने पहन रखी इसको क्या बोलते हैं, जो बिना बटन की होती है गोल गले वाली उसको क्या बोलते हैं। सो मैंने गोल गले वाली पहनी थी, अब मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। सो तो बस, और हमें एक चीज़ बतानी थी, मैंने अभी हाल ही में कल ही, अब से जो भी ब्लॉग आएंगे बहुत अच्छी एडिटिंग के साथ में आएंगे और ये ब्लॉग आखिरी ब्लॉग है जो मैं बिना एडिटिंग के अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी मैंने फिल्मोरा का लाइसेंस ले लिया है, सो तो अब से एकदम प्रोफेशनल जो फिल्म मेकर जो ऐप यूज़ करते हैं उस ऐप से मैं अपने ब्लॉग एडिट करूँगा। कल शाम को मुझे इसका लाइसेंस मिला है, तो आप बहुत सब कुछ अच्छी आप कुछ मतलब वैसे तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था अपने चैनल पर, बट अभी कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से तो नहीं बोल सकते, हाँ कुछ हफ्तों से मेरे साथ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मेरे साथ जुड़ रही है, अच्छे गुड न्यूज़ मुझे मिल रहे हैं। मैंने एक लाइन पढ़ी थी पिछले महीने, एक दो महीने के आसपास मैंने लाइन पढ़ी थी कि 2000 मतलब ये जो जुलाई वाला मंथ है मेरे लिए, ये जुलाई मंथ में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, और ये बात एकदम हकीकत है कि हाँ मुझे हकीकत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। एंड जो ये जो जुलाई मंथ है मेरे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत गुड न्यूज़ रहने वाला है। सो तो मैं बस उसी के लिए, और देखो ज़िंदगी में मेहनत करना कभी नहीं भूलना है दोस्त, कभी नहीं भूलना है और ना ही कभी छोड़ना है। तो बस यही है, ये अपना रूम, ऑलमोस्ट लोअर आई थिंक सूखा है, चलो लोअर सूखा है, मेरा मोबाइल चार्जिंग कितना है, चार्जिंग तो चलो ज़्यादा कम ही, चार्जिंग ज़्यादा नहीं है, चार्जिंग करना पड़ेगा। वैसे मैं चार्जिंग दिखाने के लिए मैंने कैमरा अपने फ़ोन की तरफ किया था या कुछ और दिखाने के लिए। सर तो अभी अपडेट्स मैं बता दूँ, एंगेजमेंट का जो मेरा अपडेट है वो 15 जुलाई को एंगेजमेंट है मेरा। सो तो मैं इसके लिए खुश भी हूँ, ना खुश भी हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा, भगवान पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहता है, आई डोंट नो, बट मैंने आप सब कुछ छोड़ दिया भगवान पे, अच्छा भी वही करेगा बुरा भी वही करेगा, एंड सब कुछ छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ, क्या क्या नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें अब कुछ चेंजेस हो रही है मेरे साथ में। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मुझे मम्मी की डांट सुननी नहीं पड़ेगी, पापा की डांट नहीं सुननी पड़ेगी, अब मुझे कोई डांटेगा भी नहीं, ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। अब देखो, अब अभिषेक अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, हैंडसम तो हूँ नहीं मैं, बट अब शायद लगता है कि अब धीरे धीरे हैंडसम होने लगा हूँ, क्यों प्रेशर वाला काम नहीं, ऐसे ही आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं आज। एक्चुअली मैंने लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे धुलने के लिए, वो कपड़े तो काफ़ी लेट है, तो फिर मैंने फिर क्या हुआ, फिर मुझे खुद को ही कपड़े धोने पड़े, तो आज कपड़े सब कुछ धो दिए है एंड सूख चुके हैं, सूख रहे हैं, मतलब कल रात को तो इतनी खतरनाक बारिश आई थी ना, इतनी खतरनाक बारिश आई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, ये पूरा ये मुझे पैक करना पड़ा, वहाँ से भी पानी आ रहा था बौछार की वजह से, कूलर के ऊपर से पानी आ रहा था, तो कूलर तो कल रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इसलिए मैं कल रात को काफ़ी लेट सोया, और अभी मैं एकदम अच्छा सा हैंडसम सा लक अच्छा सा तैयार होकर अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, एंड अब चलते हैं। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, पता है इतनी ख़तरनाक मुझे भूख लग रही है, और आज काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना एंगेजमेंट को लेकर कि अभी से एंगेजमेंट इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एंगेजमेंट कभी करता भी नहीं, बट मेरे हाथ में नहीं है ना, वो भगवान के हाथ में है। मतलब मेरा तो ये प्लान था कि अभी 2025-26 तक तो मैं सोचा भी नहीं था, गॉड प्रॉमिस मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी एंगेजमेंट होगा मेरा, एंड अब ठीक है हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जिससे हो रहा है वो तो बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मुझसे बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, अब पता नहीं उनको मेरे अंदर क्या पसंद आ गया, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना कुछ है, बट वाई मैं कभी सोचता हूँ, मैंने उनसे भी पूछा था
कि मैं आपको पसंद क्यों हूँ। तो शी रिप्लाई मी, बस ऐसे ही। मैंने ऐसे ही कौन पसंद करता है, पसंद ना पसंद की एक रीज़न होता है ना। खैर छोड़ो, मुझे नहीं पता। बट वैसे आप मुझे, आपसे मुझे क्यों पसंद करते हो मुझे चलो ये बताओ। मैं ना गुड लुकिंग हूँ, ना मैं अच्छा दिखने में अच्छा हूँ, फिर भी मुझे बताओ, मुझे ज़रूर 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 बताना। और अब से अपन अच्छे अच्छे फिल्मोरा से अपडेट करेंगे। एंड मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गया, ये रहा गाड़ी का चाबी। चलो अभी चलते हैं साइड पर खाना वाना खाकर। और आज तो बारिश की वजह से कुछ काम भी नहीं हो पाया, ज़्यादा कुछ खास कुछ काम भी नहीं हो पाया। सो तुम अभी बस एक तारीख से मैं अपनी तैयारी चालू करूँगा घर जाने की, क्योंकि अभी घर पे भी काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी है कि अभिषेक की एंगेजमेंट हो रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या। ओह शिट, मैंने केबल तो लिया ही नहीं अपना, जो मुझे केबल लेना था, चार्जिंग केबल, बिना उसके बिना कैसे करूँगा। ये देखो मेरे टॉयज, मुझे टॉयज का बहुत शौक है। ये मेरी छोटी मिनी कार, ये मेरा बॉब द बिल्डर बॉय, मुझे टॉयज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। सो तभी बहुत चीज़ें चेंजेस होने वाली है 15 तारीख से। एक अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ मैं अगले कुछ महीनों में। पता नहीं बिहार जाने वाला हूँ, आई डोंट नो। मैं बहुत अगले आने वाले मेरे कुछ महीने मतलब हो सकता है मैं जॉब ही छोड़ भी दूँ, क्योंकि आने वाले कुछ महीने मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एडवेंचर वाले रहने वाले हैं। सो तो देखो क्या होता है। एंड आने वाले महीनों में अपन बहुत ज़्यादा घूमने वाले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। कोलकाता भी जा सकते हैं, बिहार भी जा सकते हैं, एंड पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आने वाले महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एडवेंचर में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। एंड सब अपन वो सब सारी की सारी चीज़ें, सबका एक ब्लॉग, सबका सीरीज़ चलेगा। जैसे इसका सीरीज़ चल रहा है वैसे सबका सीरीज़ चलेगा। सो तो बहुत बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है अपने अभिषेक की लाइफ में अब। सो तो मैंने, और देखो एक बात बता दूँ आप सबको, मैं आप सबके पास में, अगर आप मुझे देख रहे हो, मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग देखते या सुनते, डजेंट मैटर। मैंने कभी गौर भी नहीं किया, ना मैं कभी गौर करता हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं कितने लोग मुझे नहीं देखते, डजेंट मैटर, आई डोंट केयर अबाउट इट। एंड अभी देखो मेरे पास तो देखो, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आज, जो भी मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे आने वाले 2 साल बाद मैं वो किस पोजीशन पे होऊंगा, मुझे क्या चीज़ हासिल करनी है और किस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट आप सबको पता चल ही गया होगा ना। और आप सब भी मुझे देखोगे 2 साल बाद कि मैं कहाँ पर रहूँगा 2 साल बाद, या किस पोजीशन किस हाइप पर होऊंगा मैं 2 साल बाद। तो बस उसी के लिए मेहनत जारी है। मैं आपसे बस ये व्लॉग एंड होने से पहले एक ही बात बोल देना चाहता हूँ कि यार अपने परिवार के लिए मेहनत करो, अपने भाई के लिए मेहनत करो, क्योंकि आपसे काफ़ी लोगों की आशा जुड़ी पड़ी है, ठीक है। सो तो बस मैं यही बोलूँगा, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको, आप खुद समझ जाओ। कि अगर आप 22-23 साल के हो ना, अगर आप 22-23 साल के हो, तो फिर मैं यही बोलूँगा आप सबको कि आपके पास 2030 तक, मतलब जब तक आपकी 30 उम्र नहीं हो जाती, तब तक आप अपने आप को जितना भी स्ट्रगल, जितना भी कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ये एज रहती है तब तक आप, आपकी बॉडी हर चीज़ प्रेशर इमोशन हर चीज़ आपकी बॉडी आपको सहन कर सकती। 30 की उम्र एज निकलने के बाद आपकी बॉडी के अंदर वो स्टेमिना नहीं रहता है, वो मोटिवेशनल पावर नहीं रहता है कि आपकी आप कुछ कर सको। तो मैं यही बोलूँगा ब्लॉग एंड होने से पहले कि 30 साल तक अपने आपको जितना झोंक सकते हो ना झोंक लो। 30 साल के बाद आपको ज़िंदगी भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 30 साल अगर आपने वेस्ट कर दिए लड़कीबाजी में, लव शव, टाइम पास, ये वो तो डजन, आपका आपकी लाइफ का कुछ भी मतलब नहीं है, मकसद नहीं रहेगा। मैं यही बोलूँगा कि बस मेहनत करो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। और देखो मेरी इतनी कम एज है, बट मेरी एज के लड़के, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरी एज के लड़के आज भी कॉलेज पढ़ रहे हैं, अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं जिस एज में हूँ मुझे अपने आप में प्राउड फील है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से 2-3 साल हो के बाहर रहता हूँ, अपने इंडिपेंडेंट हूँ, फैमिली वालों का भी ध्यान रखता हूँ, अपना भी ध्यान रखता हूँ, और बहुत अच्छी अर्निंग भी करता हूँ हर प्लेटफॉर्म से, और आगे भी करेंगे और आगे बहुत आगे जाएंगे।
सो तो मुझे इस चीज़ का हमेशा गर्व है, गर्व रहेगा। एटीट्यूड बोलो, ईगो बोलो, कुछ भी बोलो, सेल्फ पावर कुछ भी बोलो, कि मैं जिस एज के अंदर लड़के मज़े करते मैंने मज़े नहीं की, जिस एज अभी जो मेरी एज है अभी से मैं कहाँ पर हूँ आप सबको पता है, मैं कहाँ जॉब करता हूँ, क्या करता हूँ, डजंट मैटर। और देखो जो कुछ भी अगर करना है आप ही को करना है, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा गाइस, जो कुछ भी करना है आप ही को करना है। बस मैं ये बोलूँगा, बस मेहनत करो और कुछ भी मत करो, और जब तक वो चीज़ हासिल नहीं कर रहे अपनी लाइफ का एक मोटिव बनाओ कि हाँ मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, भूख बढ़ाओ। भूख बढ़ेगी तो आपको खाने को आप ढूंढोगे, तो वैसे ही आप सपने देखो और सपना पूरा करने के लिए आप फोकस करोगे। तो समझे एग्जांपल, तो जस्ट कीप फोकस योर ड्रीम एंड कीप हार्ड वर्क। बाय 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 बाय। ये व्लॉग नहीं था, जस्ट इन्फॉर्मेटिव था, बता दिया आप सबको जो बात शेयर करनी थी। अभी जूस पी के अपन थोड़ा चलते हैं, ठीक है, बाय, लव यू।